एक बहुत अद्भुत और मीठी बात बताऊं, जिस समय श्री व्यास जी महाराज भागवत महापुराण का शुभारंभ कर रहे थे, संसार के समस्त देवी देवता तो प्रसन्न थे ही, संसार के ऋषियों को पता चला कि भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ हो रहा है। ऋषि जन, संत जन, विद्वान जितने थे सबने विचार किया कि जब भागवत का शुभारंभ व्यास जी करेंगे तो भागवत के शुभारंभ में भगवान श्री कृष्ण की वंदना पहले की जाएगी, पहले भगवान मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भागवत के जो मुख्य देवता हैं, प्रधान देवता हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। सबसे पहली वंदना किसकी होगी? कन्हैया की। सब लोग आशा लगा के बैठे थे, लेकिन अद्भुत और मीठी बात तब हो गई कि जब भागवत महापुराण की पावन मंगलमय कथा का शुभारंभ हुआ और पहले इस श्लोक में कन्हैया का कहीं नाम ही नहीं लिया गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। भागवत के पहले इस श्लोक में न भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई, न भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया गया, न भगवान श्री कृष्ण का मंगलाचरण किया गया, भगवान श्री कृष्ण का नाम ही नहीं लिया गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये कैसा ग्रंथ का शुभारंभ हो रहा है। अद्भुत और मीठी बात तब हो गई कि जब केवल भगवान श्री कृष्ण का नहीं, संसार के किसी भी देवी देवता का नाम प्रथम श्लोक में नहीं लिया गया, किसी का भी नाम नहीं लिया गया। मुझे लगता है किसी ने जाकर के वेद व्यास जी से पूछा, बाबा आप भागवत महापुराण की रचना कर रहे हो तो पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वंदना करनी चाहिए, पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करनी चाहिए, आपने क्यों नहीं किया? तो मानो व्यास जी महाराज सारे संसार के लोगों से बताना चाहते हैं कि भागवत के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, भगवान श्री कृष्ण का मंगलाचरण इसलिए नहीं किया गया। अगर पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाई जाती, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया जाता, भगवान श्री कृष्ण के नाम का मंगलाचरण किया जाता, तो कहीं भविष्य में आगे आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो अनुयायी हैं, वो कहीं भागवत पर संपूर्ण अपना अधिकार न रख दें कि भागवत के प्रारंभ में कन्हैया का नाम लिया गया इसलिए भागवत कथा केवल मेरे लिए हो रही। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कहीं कृष्ण भक्त, कृष्ण के वंशज, कृष्ण के अनुयायी इस ग्रंथ पर अपना एकाधिकार ना स्थापित करें इसलिए कन्हैया का नाम नहीं लिया गया। किसी ने कहा चलो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया गया, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नहीं गाई गई तो राम जी की गा ली जाती, क्योंकि राम जी में और कन्हैया में कोई अंतर नहीं है। संत जन कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अवंतर नहीं निमेष, एक के नयन गभीर है, एक के चपल विशेष, यज्ञ के चपल विशेष। तो भगवान राम में, भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं, अंतर केवल इतना है कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो राम की स्तुति होनी चाहिए थी, राम का ध्यान हो जाता, राम के नाम का मंगलाचरण होता, क्यों नहीं हुआ? तो व्यास जी ने कहा फिर राम भक्त कहते कि भागवत कथा केवल मेरे लिए हो रही है, राम भक्त कहते कि कथा केवल मेरी है, केवल राम भक्त ही इस कथा को सुनेंगे और राम भक्त ही इस कथा को कहेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। कहीं दुनिया में राम भक्त इस पर अपना एक कब्जा न जमा ले, एकाधिकार न समझ ले, इसलिए भागवत के शुभारंभ में न राम की स्तुति गाई गई और न श्याम की स्तुति गाई गई, न रामम परम धीमहि कहा गया और न कृष्णम परम धीमहि, श्यामम परम धीमहि नहीं कहा गया। तो किसी ने कहा चलो ठीक है, राम जी की वंदना नहीं हुई, श्याम जी की वंदना नहीं हुई, तो कम से कम चलिए भागवत के
प्रारंभ में देवों के जो देव महादेव हैं, कम से कम उनका तो मंगलाचरण होना चाहिए। तो व्यास जी ने कहा, फिर महादेव के भक्त कहते सयू संप्रदाय वाले कि भागवत कथा भी बबुरा गांव में नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत के प्रारंभ में जब देवादिदेव महादेव की वंदना हो रही है, महादेव की स्तुति गाई जा रही है, तो भागवत कथा केवल अमरनाथ में होगी, या तो रामेश्वरम में होगी, या तो महाकाल की नगरी उज्जैन में होगी, या तो काशी की नगरी में बनारस में होगी, और पूरी दुनिया में कहीं भागवत कथा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भागवत के प्रारंभ में भगवान शिव जी का ध्यान किया जा रहा है। बोले भक्त उच्चल भगवान की, तो कहीं शिव भक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त, दुर्गा जी की उपासना करने वाले, अगर दुर्गा पराम धीमहि कह दिया जाता तो कहीं ऐसा ना हो दुर्गा जी के भक्त इस पर कब्जा न कर ले। इसलिए भागवत के प्रारंभ में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया, किसी का नाम नहीं लिया गया। क्यों? मानो ये बहुत मधुर संकेत है। संकेत यह है कि भागवत कथा न राम भक्त के लिए है, न श्याम भक्त के लिए है, न कृष्ण, न शिव भक्त के लिए है, किसी एक के लिए नहीं, बल्कि ये भागवत कथा, चाहे आप राम जी की भक्ति करते हो तो आपके लिए भी है, शिव जी की करती हो तो आपके लिए भी है, दुर्गा जी की आप भक्ति करते दुर्गा जी के भक्तों के लिए भी है। यानी राम और कृष्ण, दुर्गा आदि जितने भी देवी देवताओं को हम आप सब मानते हैं, सारे संसार के समस्त देवी देवताओं की आराधना करने वाले जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, इस भागवत कथा पर सबका एक बराबर अधिकार है। बोले भक्तोत्सल भगवान की जय।